नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। नवरात्रि के पावन दिनों की शुरुआत हो चुकी है और आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है, यानी कि माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति की उपासना का दिन। आज माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। बता दें कि देवी माँ के मथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ की पूजा अर्चना कैसे करें, इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित विकास पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका टीएनपी न्यूज में। पंडित जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करें, इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि माँ चंद्रघंटा का आज तीसरा दिन है तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी नमस्कार। मैं सर्वप्रथम आप टीएनपी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार करता हूं आप सभी का। तो माँ चंद्रघंटा के विषय में जो अगर चर्चा की जा रही, तो माता की उत्पत्ति जो हुई है, चंद्रघंटा की उत्पत्ति जो हुई है जी, वो त्रिदेवों से हुई है। एक बार ऐसा हुआ था कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था, राजा था जो दैत्यों का जी। वो जो है देवताओं पर आक्रमण कर देता है और उनके स्वर्ग आश्रम पे, इंद्रासन पे जो है अपना कब्जा जमाना चाहता है जी। तो सभी देव परेशान होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास जाते हैं और वहाँ त्रिदेवों से कहते हैं कि इस प्रकार से जो है महिषासुर अत्याचार कर रहा है। तो सभी लोगों ने जो है क्रोधित होकर, भगवान शंकर एवं भगवान ब्रह्मा एवं विष्णु जी क्रोधित होकर, उन्होंने कहा जब क्रोध अपनी जो है निकालते हैं भड़ास, तब उसके बाद उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जी। जब तीनों की ऊर्जा सम्मिलित होती है, मिलती है, तो उस समय एक जो है सृष्टि पैदा होती है, एक ज्वाला पैदा होती है, जिस ज्वाला का नाम ही चंद्रघंटा होता है। आपने जो बताया कि उनके मस्तक पर जो है अर्धचंद्र विराजमान है जो घंटा के समान होता है जी। तो उसी को जो है चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका जो स्वर्ण जैसा कलर है, इनका जो चमक है इनके शरीर का, इनका कार्य ऐसा है कि अपने दैत्यों पर, जैसे राक्षसों पर जो है ये, आपके ऊपर या कोई कष्ट हो या कुछ भी ऐसा होता है तो उसको सदैव निवारण करने के लिए हमेशा तत्पर रहा करती हैं। तो इस प्रकार की चंद्रघंटा देवी हमारी है जिन्होंने महिषासुर का वध करके देवताओं को फिर से उनका राज्यासन दिलवाया जी। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि आपने हमें माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति के बारे में बताया है जी, हमारे दर्शकों को आप उनके स्वरूप के बारे में भी थोड़ा विस्तृत रूप से बताएंगे जी। देखिए, उनका स्वरूप जो है, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अर्धचंद्र है जी, विशेष यही है। बाकी उनके जो कलर हैं, उनके जो रंग हैं शरीर का, जो उनके रंग है वो स्वर्ण समान है जी। ऐसी ज्वालामान जो है, ज्वाला पटक प्रकट होती है कि कहते हैं कि जो है मतलब वो ज्वाला जो है राक्षसों को भयभीत कर देती है जी। और उनके अस्त्र शस्त्र जो धारण करती हैं, जिसको भगवान शंकर ने त्रिशूल दिया है, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया है और भगवान विष्णु ने चक्र दिया है और सभी देवताओं ने इसी प्रकार से क्रम से अपना अपना अस्त्र और शस्त्र दिया है। माता के एक हाथ में जो है माला धारण करती है माता जी। जो माला जो है हमेशा जो है कहते हैं कि तपस्विनी का रूप होता है, तो माला एक माता एक हाथ में माला धारण करती हैं एवं उनका जो स्वरूप आपको बताया स्वर्ण समान है जी। वो राक्षसों पर वो करती हैं विजय प्राप्त करती हैं हमेशा सदैव, तो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। विशेष उनका जो स्वरूप है वो अपने भक्तों को हमेशा प्रसन्न चित रहती हैं, एकदम मुद्रा में ऐसी रहती हैं कि जैसे उनको कोई भी कष्ट नहीं है और अपने भक्तों के कष्ट को निवारण करने के लिए सदैव तत्पर रहा करती हैं, विशेष यही है उनका स्वभाव जो है जी। पंडित जी, तो जैसे कि अभी आपने हमें माता की उत्पत्ति और स्वरूप के बारे में बताया जी, तो अब माता के नवरात्रियों के दिन चल रहे हैं, ऐसे में हमने दो दिन नवरात्रि के बिता दिए हैं और उसके बाद आज तीसरा दिन की शुरुआत हुई है, ऐसे में माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं जी। देखिए, इनका पूजन जो है, इनका पूजन शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। शुभ मुहूर्त कौन सा? देखिए, सर्वप्रथम तो शुभ मुहूर्त जो होता है ब्रह्म काल का होता है जी। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, ब्रह्म वेला में जो मुहूर्त होता है उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है जी। जो कि 3 से 5 का होता है, लेकिन जो व्यक्ति 3 से 5 में ना कर सके, जो गृहस्थ वाले हैं, गृहस्थ वालों के लिए अगर हो सके तो 5 से 8 बजे तक अपना कर लें। यदि जिनके पास उसकी भी व्यवस्था ना हो सके तो कम से कम 11 बजे तक अपना मुहूर्त जो है पूजन अवश्य माता का कर लें। दूसरी बात, इनको, इन देवी को जो है धूप दीप नैवेद्य गंध पुष्प अक्षत दीप समर्पित करें। पुष्प की माला जो इनको पहनाई जाती है वो पुष्प की माला गुलाब की पीली माला होनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा को गुलाब की पीली माला चढ़ानी चाहिए और इनके भोग में जो है आप या तो दूध चढ़ाएं या दूध की खीर चढ़ाएं, जिससे माता अधिक प्रसन्न होती हैं। और उसके बाद इनके भोग में जो फल होता है, ऋतुफल जो होता है, तो ऋतुफल में लाल फल होना चाहिए।
या तो सेब हो या अनार हो, ये दो लाल फल जो है माता को अधिक प्रिय हैं। जी जी पंडित जी, जैसे कि आपने हमें माता की पूजा विधि के बारे में भी बताया, अब हमारे दर्शकों को आप शुभ मुहूर्त के बारे में बताइए कि आज किस मुहूर्त में हमारे दर्शक पूजा करेंगे, और इसी के साथ साथ आप हमें ये भी बताइए कि जब दर्शक पूजा करेंगे उसके साथ उस वक्त उन्हें कौन सा रंग का कपड़ा वस्त्र धारण करें। जी जी, देखिए ये वस्त्र के विषय में आया, तो वस्त्र के विषय में देखिए जो हम आसन लगाते हैं अपना जी, तो वो आसन हमारा हरित कलर का होना चाहिए। हरित मतलब होता है हरा जी। आसन जो है हरा होना चाहिए, और साथ में हम जो वस्त्र धारण करें वो भी हरा ही होना चाहिए जी। माँ चंद्रघंटा को हरा वस्त्र चाहिए, तो हरा वस्त्र हम अपने शरीर पर धारण करें, एवं जो हम आसन जिस आसन पर विराजमान हो पूजन के लिए, वो आसन भी हमारा हरा ही होना चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि हर देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए उनका कुछ विशेष मंत्र होते हैं, तो ऐसे में हमारे दर्शकों को आप उस विशेष मंत्र के बारे में बताइए जिससे माता को प्रसन्न किया जा सके। देखिए मंत्र जो है बहुत बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं, ठीक है, एक लघु होता है, एक जो है लंबा होता है, तो लंबा जो है सभी लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन सभी के लिए जो है ऐं श्रीं शक्तये नमः सबसे छोटा और लघु मंत्र है जो कि सभी लोग कर सकते हैं, ओम ऐं श्री लक्ष्मे शक्तये नमः, इस प्रकार से है। और अगर यदि इसको ना कर सकें तो उसके अलावा जो है ऐं ह्रीं क्लीं चंडिकाय नमः, ये भी कर सकते हैं जी। या चंद्रघंटाय नमः भी आप जो है उसमें लगाकर चंद्रघंटा का पूजन आज कर सकते हैं आप जी। तो पंडित जी ने हमें वो विशेष मंत्र बताया है जिसे हम जाप करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही पंडित जी, कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा जो है वो कर्ज से मुक्ति दिलाने वाली भी देवी है, ऐसे में वो कौन से विशेष उपाय हैं जिनका हम पालन करके माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न कर सकते हैं। जी देखिए, अभी हमने आपको पुष्प के विषय में बताया जी, जो पुष्प है माता को अधिक प्रिय है पीत पुष्प, वो पीत पुष्प उनको जो आप चढ़ाते हैं उससे वो समृद्धि प्रदान करती हैं, एवं अपने भक्तों के जो है क्लेश को दूर करती हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा है कि अपने भक्तों को हर क्षण वो देखती रहती हैं, स्वयं तो स्थिर रहती हैं लेकिन भक्तों के क्लेश को सदैव दूर करती रहती हैं। उनका यही स्वभाव ही जो है, उनका जो चमकीला बदन है, जो उनका शरीर है, उसी से जो है अपने भक्तों का जो है कल्याण करती हैं वो, तो उनको जो है वही आप जो हमने आपको भोग और नैवेद्य बताया उसी प्रकार से आप उनको प्रसन्न करके कष्ट से मुक्ति पा सकती हैं। जी तो पंडित जी, ये तो बात हुई कुछ कि कैसे माता रानी को प्रसन्न करें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि आम आदमी को उतनी ज्ञान नहीं होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ऐसे में वो कौन से नियम हैं जो हमें, जिनका बहुत ध्यान रखना है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें पूजा विधि के दौरान याद रखना है कि हम ऐसी चीजें ना करें। जी देखिए, सर्वप्रथम तो जब हम नवरात्रि का कलश घट स्थापन कर लेते हैं तो हमें चाहिए सर्वप्रथम तो सात्विक व्यवहार, हमारा जो व्यवहार हो सात्विक होना चाहिए। दूसरी बात, हमें जो है स्थान जो हमारा आसन हो विश्राम करने का वो भूमि पर हो सके तो भूमि पर, अन्यथा अगर हो सके तो लकड़ी के पाटे पर या जो है चौका तखत जो भी बोलते हैं उसको, उस पर जो है आप विश्राम कर सकते हैं। अगर अधिक ज़्यादा वो है तो हमारे हिसाब से विशेष जो है पृथ्वी पर ही पड़ता है, सर्वप्रथम तो ये कार्य करें। दूसरी बात, माता का ऐसा स्वरूप है कि इनका ध्यान अवश्य करें, ध्यान में मैंने आपको जो मंत्र बताया उन मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए, और क्रोध नहीं करना चाहिए अपने में, जो अपने में क्रोध होता है वो क्रोध नहीं करना चाहिए, सर्वप्रथम क्रोध करना इसमें उचित नहीं है, तो इससे माता जी हमारी प्रसन्न होती हैं और सभी का कल्याण करती हैं। तो ये तमाम जानकारी हमें पंडित जी ने दी है, उम्मीद करते हैं कि जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो पंडित जी के दी हुई जानकारी को जरूर अपनी पूजा विधि में फॉलो करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए TNP News। नमस्कार।